Hello, my dear kids. How are you? I am Payal, your computer teacher. Today, we are going to start our computer book by Brain Root series. The name of our book is Cyber Creators Part 1. So, let's start the book. Aaj hum apna chapter number 1 start karenge. Chapter ka naam hai Machines and AI. चैप्टर का नाम क्या है मशीन्स एंड एआई. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न. आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे व्हाट आर मशीन्स कंप्यूटर अ मशीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इस पार्ट में आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि मशीन्स क्या होती हैं कंप्यूटर क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और किसके बारे में पढ़ेंगे कंप्यूटर्स और ह्यूमंस के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. बिफोर वी बिगिन शुरू करने से पहले देखिए आपको क्या करना है कलर द पिक्चर गिवन बिलो. नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है आपको क्या करना है उसमें बहुत सुंदर से कलर करने हैं. तो आपने गेस किया ये किस चीज की पिक्चर है बताइए. यस यू आर राइट दिस इज अ पिक्चर ऑफ कंप्यूटर. तो आप इसमें बहुत सुंदर से कलर करेंगे अपनी चॉइस के. व्हाट आर मशीन्स मशीन्स क्या होती हैं. Machines are man-made things. They help us to do different types of work. Machine क्या होती हैं? Machine man-made मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई चीज है जो किसने help करती है हमारी तरह तरह के कामों को करने में. They make our work easier. वो हमारे काम को आसान बनाती हैं. They work very fast. They save our time. वो क्या करती हैं हमारा वर्क बहुत जल्दी जल्दी करती हैं और समय की बचत करती हैं. You have seen many machines at your home and school. आपने बहुत सी मशीन अपने घर में और अपने स्कूल में देखी होंगी. Some machines run on electricity. Some on human power, some on fuel and other on batteries. कुछ मशीन बिजली की सहायता से चलती हैं, कुछ human power से चलती हैं, मतलब इंसान की ताकत से चलती हैं, कुछ fuel मतलब पेट्रोल या डीजल से चलती हैं और कुछ machines में क्या डलती हैं battery, वो batteries की help से काम करती हैं. मशीन डेट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. अब हम उन मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे जो किससे चलती है इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से चलती है. सम ऑफ द मशीन्स विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी आर एज फॉलो. तो नीचे कुछ मशीन्स दी हुई हैं उनकी पिक्चर बनी हुई हैं तो आपको बताया जा रहा है कि ये मशीन किससे चलती है इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली की सहायता से. नंबर वन रेफ्रिजरेटर नंबर टू वैक्यूम क्लीनर एंड नंबर थ्री टेलीविजन. आप सबके घर में रेफ्रिजरेटर भी होगा और क्या है टीवी भी होगा तो इन दोनों को चलने में किसकी जरूरत पड़ती है बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की. मशीन्स डेट रन ऑन ह्यूमन पावर. अब हम उन मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको चलने में किसकी जरूरत पड़ती है ह्यूमन पावर की. सम ऑफ द मशीन विच रन ऑन ह्यूमन पावर आर एज फॉलो. हैंड ऑपरेटेड वाटर पंप बाइसाइकिल स्विंग मशीन मतलब नलका आजकल तो बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन पहले हर घर में हर पार्क में क्या होता था हैंड पंप होता था. बाइसाइकिल जब आप शाम को पार्क में साइकिल चलाते हैं तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है आपको ताकत लगानी पड़ती है. एंड द नंबर थ्री
स्विंग मशीन जो इस पे टेलर कपड़े सिलता है या मोस्टली हमारे घरों में भी होती है, तो उसमें जब आपकी मम्मा वर्क करती है तो कौन ऑपरेट करता है उस मशीन को? मम्मा ऑपरेट करती है, मतलब ह्यूमन पावर की जरूरत पड़ती है। नाउ मशीन डेट रन ऑन फ्यूल, वो मशीन जो फ्यूल मतलब पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। सम ऑफ द मशीन्स विच रन ऑन फ्यूल आर एज फॉलो, बस, एरोप्लेन एंड कार। बस में पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है, एरोप्लेन में भी और कार में भी। मशीन डेट रन ऑन बैटरीज, अब हम उन मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे जो किससे ऑपरेट होती हैं? बैटरीज से। सम ऑफ द मशीन्स विच रन ऑन बैटरीज आर फॉलो, टॉर्च, क्लॉक एंड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में सेल डलता है, आपके घर में जो क्लॉक है उसमें भी क्या डलता है? सेल डलता है, और टॉर्च में भी क्या डलता है? सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? बैटरीज कहते हैं। लेट अस डू, तो अब तक हमने जितना चैप्टर में पढ़ा उसके बिहाफ पर या उस पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेम द फॉलोइंग टू मशीन्स डेट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, आपको ऐसी दो मशीन्स के नाम लिखने हैं जो किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, तो बताइए कौन कौन सी है। नंबर वन वॉशिंग मशीन, नंबर टू टीवी या फिर आप लिख सकते हैं टेलीविजन। नेक्स्ट टू मशीन्स डेट रन ऑन फ्यूल, दो मशीन्स जो फ्यूल पे चलती हैं, सो कार एंड बस। कार और बस किस पे रन करती हैं? फ्यूल पे। नंबर थ्री टू मशीन डेट रन ऑन ह्यूमन पावर, एंड नंबर फोर टू मशीन्स डेट रन ऑन बैटरी। तो ये दोनों पार्ट आप अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़कर आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर खुद लिखेंगे, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल लर्न अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर आ मशीन। अ कंप्यूटर इज द मोस्ट अमेजिंग क्रिएशन ऑफ ह्यूमन। कंप्यूटर को किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। ये इंसान के द्वारा बनाई गई बहुत बढ़िया क्रिएशन है। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये किससे चलती है? बिजली से चलती है। यू कैन यूज अ कंप्यूटर टू डू मैनी टास्क लाइक प्लेइंग गेम, सॉल्विंग सम, राइटिंग लेटर, ड्राइंग पिक्चर एक्सेट्रा। आप कंप्यूटर पर क्या क्या कर सकते हैं? आप गेम खेल सकते हैं, सम सॉल्व कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं और पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फोर मेन पार्ट्स, कंप्यूटर के क्या होते हैं? फोर मेन पार्ट्स होते हैं। दे आर सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। कौन कौन से फोर मेन पार्ट्स होते हैं? सीपीयू, मॉनिटर, कंप्यूटर एंड माउस। इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, आजकल कंप्यूटर हर जगह यूज होता है। नाउ डेज लाइक इन स्कूल्स, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स एक्सेट्रा। स्कूल्स में, शॉपिंग मॉल में, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पे, बहुत सी जगह पर आजकल कंप्यूटर यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, अब हम कंप्यूटर के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वर्क्स वेरी फास्ट, सबसे पहला फीचर क्या है उसका? कि यह बहुत जल्दी काम करता है। इट नेवर गेट टायर्ड, वो कभी भी नहीं थकता। कौन? कंप्यूटर। इट डज नॉट हैव फीलिंग, कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं होती। इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स, कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता। इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, वो बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है। लेकिन
हम लोग ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, हम थक जाते हैं। अगर आपकी मामा आपको बोले कि आपको कंटिन्यूटी में 2 आवर्स स्टडी करनी है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं मामा, मैं तो थक गया। लेकिन कंप्यूटर को आप जितने मर्जी लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करिए या कराइए, वो कभी भी नहीं थकता। नाउ कंप्यूटर एंड ह्यूमंस, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कंप्यूटर और ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमंस आर फॉलो। अब आपको कंप्यूटर और ह्यूमंस के बारे में क्या बताया गया है? डिफरेंस बताया जा रहा है। कंप्यूटर, इट डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। ह्यूमंस, वी हैव फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, बुरी भी लगती है, हम हंसते भी हैं और हम रोते भी हैं। कंप्यूटर, इट कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। कंप्यूटर खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन ह्यूमंस में क्या है? वी कैन टेक डिसीजन। हम किसी भी काम को करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ये काम करना है या नहीं करना। नाउ द थर्ड वर्ड, इट डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। कंप्यूटर कभी कोई मिस्टेक नहीं करता। ह्यूमंस, वी मे मेक मिस्टेक्स। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम कोई गलती कर सकते हैं। नंबर 4, इट कैन वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत जल्दी वर्क करता है, बहुत फास्ट स्पीड में वर्क करता है। वी कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर। लेकिन हम कंप्यूटर की तरह तेज काम नहीं कर सकते। इट नेवर गेट टायर्ड। कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता है। वी गेट टायर्ड आफ्टर सम टाइम। लेकिन थोड़े समय के बाद हम लोग थक जाते हैं। नंबर 6, इट कैन डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। इट नेवर गेट बोर्ड। कंप्यूटर को आप सेम काम बार बार कराइए, वो कभी भी उस काम को करते हुए ना तो थकेगा ना बोर होगा। लेकिन वी गेट बोर डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। लेकिन हम एक काम को बार बार कर क्या करेंगे? थक जाएंगे और उससे बोर हो जाएंगे। वट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ मशीन और कंप्यूटर प्रोग्राम टू कैरी आउट टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन बीइंग टू यूज देयर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स और कंप्यूटर प्रोग्राम में एक ऐसी एबिलिटी होती है जो क्या करती है? ह्यूमन बीइंग जो भी काम कराना चाहता है उसको अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू करती है। सपोज अगर हम कोई क्या करना चाहते हैं, कोई सम करना चाहते हैं कंप्यूटर पर, या कोई डिफरेंट वर्क करना चाहते हैं। एंड एआई बेस्ड मशीन्स वर्क बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन दैट ह्यूमन गिव। एआई बेस्ड जो भी मशीन है वो किस पर वर्क करती है? जो ह्यूमंस उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। सम ऑफ द मशीन बेस्ड ऑन एआई आर एज फॉलो। तो अब हम कुछ उन मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे जो किस पर बेस्ड है? एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। सपोज आजकल सब, फॉर एग्जांपल, आजकल सबके घर में अलेक्सा होता है, तो हम उसको कमांड कैसे देते हैं? हम लोग बोलते हैं ना, अलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग। हमने क्या किया? हमने अलेक्सा को कमांड दी कि वो इस सॉन्ग को प्ले करे। तो अलेक्सा ने किस पे वर्क किया? इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ह्यूमंस। एंड द नेक्स्ट वन इज रोबोट, एंड द थर्ड वन इज ड्रोन। ड्रोन, रोबोट, ये सब किस पे वर्क करते हैं? ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करते हैं, और ये सब मशीन एआई बेस्ड होती हैं। नाउ वी विल लर्न कंप्यूटर मैनर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम कुछ कंप्यूटर मैनर्स पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर्स वी शुड
कंप्यूटर यूज करते समय हमें कौन कौन सी मैनर्स फॉलो करनी चाहिए, तो चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर वन, बी सेफ एज इट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हमेशा सावधान होकर कंप्यूटर पर काम करिए, क्योंकि वो किससे चलता है? बिजली से चलता है। नंबर टू, बी जेंटल एज इट इज डेलिकेटेड एंड वेरी एक्सपेंसिव। कंप्यूटर पर बहुत प्यार से, बहुत जेंटली वर्क करिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक डेलिकेटेड और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मशीन है। उसकी कीज़ को बहुत आराम से दबाइए, ये नहीं कि कंप्यूटर को आप हिला रहे हैं या उस पर कुछ भी खा रहे हैं या एक्स वाई जेड आप कोई भी काम कर रहे हैं। नंबर थ्री, कीप इट क्लीन एज इट इज सेंसिटिव टू डस्ट। हमेशा अपने कंप्यूटर को क्लीन रखिए, क्योंकि अगर उस पर डस्ट गई तो आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा। मेंटेन करेक्ट पोस्चर एज इनकरेक्ट पोस्चर कैन मेक इंजरी। जब भी आप कंप्यूटर पे काम करें, बिल्कुल सही पोस्चर में बैठ के करें, ये नहीं कि आप इधर गिर के कर रहे हैं या इधर गिर कर। हमेशा स्ट्रेट बैठिए और कंप्यूटर पे वर्क करिए। शेयर इक्वली एज इट इज फॉर एवरीवन इन स्कूल। और जब स्कूल में आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर सबके साथ शेयर करना, ये नहीं कि पूरे पीरियड मैं ही कंप्यूटर पे काम करूंगा। नो, आपको थोड़ा काम आपको करना है और वन बाय वन अपने फ्रेंड्स को भी कंप्यूटर पे काम करने के लिए क्या देनी है? चांस देनी है। लेट्स रिवाइंड। तो चलिए, अब तक हमने जितना चैप्टर में पढ़ा, हम एक बार उसको क्या करते हैं? रिवाइंड करते हैं। मशीन्स आर मैन मेड थिंग, दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। मशीन मैन मेड थिंग है और क्या करती है? वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करती है। अ कंप्यूटर इज द मोस्ट अमेजिंग क्रिएशन ऑफ ह्यूमन, इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर इंसानों द्वारा बनाई गई एक बहुत अच्छी क्रिएशन है, जो किस पे वर्क करती है? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली पर। यू कैन यूज कंप्यूटर टू डू मैनी टास्क लाइक प्लेइंग गेम, सॉल्विंग सम, राइटिंग लेटर, ड्राइंग पिक्चर। कंप्यूटर पर आप बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और ड्राइंग कर सकते हैं। अ कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ फोर मेन पार्ट्स, दे आर सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। कंप्यूटर के चार मेन पार्ट्स होते हैं। इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर नाउडे लाइक इन स्कूल, हॉस्पिटल एंड शॉपिंग मॉल। आजकल कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है, स्कूल में, हॉस्पिटल में और शॉपिंग मॉल्स में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स और कंप्यूटर प्रोग्राम टू कैरी आउट टास्क दैट रिक्वायर्ड ह्यूमन बींग्स टू यूज देयर इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ऐसी एबिलिटी है मशीन्स में और कंप्यूटर प्रोग्राम में, जो इंसानों द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन पे वर्क करती हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने मशीन्स के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने मशीन्स के बारे में पढ़ा और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स के बारे में पढ़ा कि कोई मशीन इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, कोई बैटरी पे, कोई फ्यूज पे और कोई ह्यूमन पावर में। और हमने किसके बारे में पढ़ा? कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। तो चलिए, अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, देखते हैं आपने चैप्टर में कितना सीखा। नंबर वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके चार ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन पे आपको टिक करना। अ कंप्यूटर इज अ डैश मशीन, मैन मेड, गॉड मेड, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड थिंग। नंबर टू, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन। कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? ह्यूमन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड नन ऑफ दीज। कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। नंबर थ्री, वी डैश टेक डिसीजन, कैन, कैन नॉट, मे और मे नॉट बी।
तो इसमें आएगा वी कैन टेक डिसीजन, हम डिसीजन ले सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक. नंबर वन, ड्रोन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ, ड्रोन्स किसके एग्जाम्पल्स हैं? AI, that means artificial intelligence. Number टू, an airplane runs on airplane. किस पे वर्क करता है? इसमें आएगा FUEL, fuel. Number थ्री, a computer consists of dash parts. Computer के कितने main parts होते हैं? Four, FOUR, four. Now question number सी, write T for true एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए आप टी लिखेंगे और जो गलत है उसके लिए आप एफ लिखेंगे. तो चलिए रीड करते हैं स्टेटमेंट. वी कैन नॉट मेक मिस्टेक, वो कह रहा है हम कोई मिस्टेक नहीं करते, दैट इज फॉल्स. वी मेक मिस्टेक्स, हमसे मिस्टेक हो जाती हैं. A computer never get tired. Computer कभी नहीं थकता. This statement is true. Number थ्री, a sewing machine runs on fuel. बताइए सिलाई मशीन फ्यूल पे चलती है? No, it runs on human power. Question D, match the following. Match the following. आप chapter को अच्छे से read करेंगे और आप खुद करेंगे. यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर वन, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. क्वेश्चन नंबर टू, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. आपको कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स लिखने हैं. कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? CPU, माउस, मॉनिटर एंड कीबोर्ड. द लास्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अभी मैंने आपको चैप्टर में बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो आप एक बार चैप्टर फिर से पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आप खुद लिखेंगे. यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने कंप्यूटर मशीन्स के बारे में पढ़ा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.